पार्टी जो भी वहाँ पे फायर हुआ, सबसे पहला जो वहाँ से फायर आया तो फायर आरबीजी राउंड का फायर आया, तो इतना तगड़ा धमाका होता आरबीजी राउंड का, उसमें आदमी दहल जाता है कि क्या हो गया। और जैसे वो फायर आया तो उसके बाद फिर एसटीएफ और डीआरजी वालों ने फायर खोल दिया, यूबीजीएल सीजीएल, फिर वहाँ पे इतना चला। हमारे 2 IC सर थे इसमें, संदीप द्विवेदी सर, वो उसमें जख्मी हुए हैं, उनके हाथ पे गोली लगी और एक रान पे गोली लगी। और हमारे DC सर हैं मुनीश सर, उनके हेड पे बैक साइड में उनके यूबीजीएल का स्प्लिंटर लगा। एक हमारा इंस्पेक्टर साहब है, वो बेचारा बाद में शहीद हो गया, वो तो ग्राउंड के अंदर उसको हिट हुआ, बुलेट हिट हुआ सीधे डायरेक्ट चेस्ट पे, सामने से नक्सल को खदेड़ते हुए पार्टी को फायर एंड मूव करवा रहे थे एडवांस। तो उन्होंने एक कोने से मतलब कि पार्टी को गुजारा, तो बस वहीं से उनको किसी ने झाड़ी में शूट किया, वहीं से गया। उसके बाद जो हम लोगों ने जो एम्बुश में गिरे थे, हमने उनका एम्बुश तोड़ा, एम्बुश तोड़ा, CGRL RL मारा है, जूबीजल मारे, एम्बुश तोड़ा, एम्बुश तोड़ के फिर वहाँ से हम भागे हैं सारे, पूरे DRG ST, फिर हमने उल्टा उनके ऊपर किया, काउंटर एम्बुश किया, वहाँ मुठभेड़ चली 6 घंटे। इसमें कैजुअल्टी बहुत बड़ी होनी थी, बहुत ही ज़्यादा, 76 से ज़्यादा हो जानी थी, क्योंकि हमारी पार्टी DRG और STF टोटल मिला के 380 की नफरी उस LOP के ऊपर थी। लेकिन जो जुनून इस एक्शन में दिखा, क्या वो DRG का था, क्या वो STF का था, क्या वो कोबरा था, लड़े और लड़े इस जुनून में कि जीतना है और बच के निकलना है। शायद उसी जुनून के कारण हम लोगों की कैजुअल्टी जितनी, दुनिया तो बोलती है ना बहुत बड़ी कैजुअल्टी हुई, मैं ये मानता हूँ कि ये कैजुअल्टी अभी बहुत नॉर्मल है। अगर ना एम्बुश तोड़ते ना कुछ करते, तो उन लोगों ने हमारे पे UBGL और UBGL और RBG सेल मार मार के पूरा हमारे को नेस्तो नाबूद कर देना था और हमारा सर कुछ ले जाना था। भाई नरेश उस्ताद, आपने जो CSWT बेलगाम सिखाया, 3 महीने आपसे रगड़ा खाया, लेकिन एक चीज़ वहाँ सीखी, चाहे कुछ भी हो जाए लड़ो, लड़ो और जीतो, फाइट करो, ठीक है, जीतेगा कोबरा, जीता कोबरा, लास्ट तक लड़ता, और हम लड़े। कल हिडमा को हमने बता दिया कि साले तूने गलत जगह पंगा ले लिया, उसकी नक्सली की पता कितनी बुरी कंडीशन कर रखी थी हमने, कम से कम नहीं तो 40-42 नक्सली मरे हैं उसके, 2 ट्रैक्टर भर के उसकी डेड बॉडी गई हैं गाँव में। आज जो टीमें वहाँ गई थी ना सर्च करने के लिए, उनसे पता किया इतना नक्सली मारा है, गांव वालों ने उनको आगे नहीं आने दिया टीमों को। वो बोल रहे आप जो ये न्यूज़ में दिखा रहे ना, 3 मरे 4 मरे, ये तो हिडमा को देना पड़ेगा जवाब इसका, वो आएगा, वो निकालेगा पत्रिका में, पक्का लिखेगा वो। बाकी भाइयों, इस फौज को सैल्यूट है, लड़ती है, करती है और काम पे खरी उतरती है, लेकिन ग्राउंड में जो लड़ा वो बिल्कुल सही तरीके से बेड़ा पार करता है। जो वहाँ पे डर गया ना, मैंने ये चीज़ कल सरेआम देखी, जो डर के बैठ गया ना, उसको बुलेट तो बैठे बैठे भी लग जाएगा। जो वहाँ से दाएं बाएं जाके फायर करता रहा, निकलता रहा, फायर करता रहा, निकलता रहा, उनके फायर की चिंता नहीं करनी, उनका फायर तो चलता रहेगा। वो उनके पास पता नहीं कितना अमुनिशन था, कितना सेल था, क्या था, ये समझ में नहीं आया कि इतना अमुनिशन उनके पास कहाँ से आ गया।